बेलाय बेलाय के हम पाए थानसं या के चुपत कमानाए आज अगर वो सफाई के सिनी बुबागरा तब सिनी बुबागरा निलोगे सफाई भी होगा सिनी ऑनरेबल एमपी राइज़ सफानी बरम गनान सिनी संजय सिंह सा आम आर्मी पार्टी ने मनो बहाय न चल रिसारी हुए सम्मान लाइना है वी नाउ हैव इन आवर मिस्ट ऑनरेबल एमपी ऑफ आम राइज़ सफा श्री संजय सिंह सा May I request the people of Tripura to honor you with Risa. Yama khurab na tayo mo! Palay mo! Bono, introduction rin na bagay ang Chini Habu Bagra Maharaja na ang Tabo request kay nai. May I now request our Paharaja to introduce our guest. थैंक यू आम आदमी पार्टी का एमपी और बहुत वरिष्ठ लीडर संजय सिंह जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं और वेलकम करता हूं आप पहले हम त्रिपुरा में हमारे बहुत एमपीज गए हैं लेकिन आज पहला बार हमारा जो पूरा मूवमेंट है उनको सॉलिडारिटी दिखाने के लिए अगर आम आदमी पार्टी का एमपी भी आया है तो उनको बड़े हाथ से ताली देना चाहिए संजय जी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे इतिहास के बारे उससे पहले मुनीश जी थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स मुनीश तमांग जी ने मुझे दार्जिलिंग बुलाया है गोरखालैंड के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जिस दिन गोरखालैंड का राज्य बनेगा सबसे पहला झंडा उज्जैनता पैलेस के ऊपर गोरखा का होगा इतना मैं सपोर्ट करता हूं और कोई आपको नहीं कह सकता है कि गोरखालैंड का मूवमेंट देश के हित के खिलाफ है क्योंकि आज जो सेना में सबसे ज्यादा जो हमारा सिपाही है जो आज देश की सुरक्षा का जिम्मेवारी लेता है वो हमारा गोरखा का सोल्जर्स है वी रिस्पेक्ट दैट संजय जी मैं आपको थोड़ा सा त्रिपुरा का इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं ऑल द मीडिया विच इज देयर आई वुड लाइक यू ऑल टू ऑल्सो अंडरस्टैंड तो मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में कॉकरोक में तो होगा नहीं आप लोग समझेंगे नहीं अगर मैं कॉकरोक में भी बोलूं तो भी वो इंडियन लैंग्वेज ही है अगर तमिल में भी बोलूं वो भी इंडियन लैंग्वेज अगर गोरखाली में भी बोलूं तो वो भी इंडियन लैंग्वेज है लेकिन शायद आप हिंदी में ज्यादा पसंद करेंगे त्रिपुरा एक ऐतिहासिक राज्य था जो महाभारत के समय से एक ऐतिहासिक राज्य था हमने 1949 में हिंदुस्तान के संग मर्ज किया मेरे खुद की ग्रैंड मदर कंचन प्रभा देवी मेरे पिताजी के नाम में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया और त्रिपुरा हिंदुस्तान का एक अटूट अंग बना जब हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था तो भारत के सरकार ने हमें संवैधानिक गारंटीज दी थी कि आपका भाषा आपका जमीन हां आपका सभ्यता आपका कल्चर आपका आइडेंटिटी आपका अस्तित्व को हम बचाकर सुरक्षित रखेंगे आप हिंदुस्तान का एक अंग बन जाइए ईस्ट पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश में मत जाइए या स्वाधीन मत रहिए हम हिंदुस्तान का सरकार आपको सुरक्षित रखेंगे जितना भी हम लोग का बुकुंग बारा है आपको सुरक्षित रखेंगे यह आश्वासन हमें दिया गया था 1949 राइटिंग में है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है आज भी प्रमाण है कोई भी जाकर पढ़ सकता है लेकिन 70 साल में क्या मिला है हमें आज आप जाकर कोर्ट में देखिए एक तिपरा सा जज नहीं मिलेगा आईएएस ऑफिसर के एग्जाम में हमें जब एग्जाम लिखना पड़ता है तो हमें बांग्ला में लिखना पड़ता है आज
आप देख लीजिए हमारे इतिहास में आज तक कोई भी नहीं मिला है, सिर्फ दशरथ देव मिला था, सिर्फ 91 साल की उम्र में, 88 की उम्र में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। आज प्रशासन हमारे संग नहीं है, आज व्यवस्था हमारे साथ नहीं है, आज पूरा का पूरा सिस्टम हमारे साथ नहीं है। हम एबीसी काउंसिल में है, हां इस बार इलेक्शन में जीत के आया है तिपरा मोथा, जीत के आया है। और जब हमने चैलेंज किया, हमारे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन हमने बीजेपी को चैलेंज किया, कम्युनिस्ट पार्टी को चैलेंज किया, कांग्रेस पार्टी को चैलेंज किया, और एक रीजनल छोटा सा पार्टी आंचलिक पार्टी जीत के आया, वो आपका प्यार के लिए आया हमने। लेकिन आज आप देखेंगे अनिमेश ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, त्रिपुरा का बजट है 22,000 करोड़, हमको मिलता है कुछ नहीं। मंत्री आता है अगरतला में, बोलता है कि हमें ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, कागज में मिलता है, लेकिन असल में हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं। आपने एक भूमिपुत्र को अपने ही राज्य में आपने हमें प्रोसिक्यूट किया, हमें टारगेट किया। आज संजय सिंह जी पूरा नॉर्थ ईस्ट में आप जाकर एक सवाल पूछिए और पूरा नॉर्थ ईस्ट आपको एक ही जवाब देगा, हम दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना चाहते हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट ये बोलता है। ये सच बात है कि आप पंजाब जाएंगे तो आप पंजाब का कल्चर देखना चाहेंगे। जब मैं महाराष्ट्र जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं मराठा या महाराष्ट्रन कल्चर देखूं। जब मैं बंगाल जाता हूं तो मैं रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जगदीश चंद्र बोस के बारे सुनूं, पढ़ूं। जब मैं हिमाचल जाता हूं तो मैं हिमाचल का इतिहास देखना चाहता हूं। लेकिन आप त्रिपुरा आएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आप हिंदुस्तान में है, आपको लगेगा कि आप बांग्लादेश के एक एक्सटेंशन में। हम एक बॉर्डर स्टेट है। हमारा एक पीड़ा है कि आपने हमें हमारे ही राज्य में वंचित किया है। 70 साल से हमारे अंदर एक दुख है। और ये जो तिपरा लैंड, ग्रेटर तिपरा लैंड का जो मूवमेंट है, ये पॉलिटिक्स से नहीं होगा, ये हमारा सर्वाइवल के लिए है। क्योंकि 2026 में फिर से डिलिमिटेशन होगा, और जब डिलिमिटेशन होगा उसके बाद फिर से असेंबली में सीट्स बढ़ेंगे, उसके बाद हमें कोई नहीं पूछने वाला। हमारा संख्या कम है, हमारा पास संख्या कम है, तो आप क्योंकि हमारा संख्या कम है आप हमें खारिज कर रहे हैं, ये हमारे संग अत्याचार है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब पास हुआ, एक्ट पास हुआ, मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। आपने नागालैंड को छोड़ दिया, अरुणाचल को छोड़ दिया, आपने मणिपुर को छोड़ दिया, सिक्किम को छोड़ दिया, जिनका सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं है, लेकिन आपने आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, जिसका बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है, आपने उनको नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी थी, क्योंकि आपको पश्चिम बंगाल जीतना था, तो आपने त्रिपुरा को बलि कर दिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद। जवाब पश्चिम बंगाल में भी मिला, कुछ नहीं मिला आपको। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर गुरुपूर्व के दिन हमारे किसान से माफी मांगकर कह सकता है कि हम फार्म बिल को वापस ले रहे हैं, तो यह कोई ज्यादा डिमांड नहीं है कि आप भी हमारा सीएए का जो बिल पास हुआ है, जिसमें आपने हमारे 3 राज्यों को रखा है, आप उनको भी खारिज कीजिए, क्योंकि यह जो हो रहा है हमारे साथ अन्याय है। आज हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसान का आंदोलन को देखकर हम देखते हैं कि हां, देश का सरकार भी
समझ चुका है कि आज अगर आपने किसान का बात नहीं माना तो आप शायद शिकस्त होंगे पंजाब और यूपी में। एक समय ऐसा था जब छात्रों का मूवमेंट था, आसाम स्टूडेंट्स मूवमेंट, आसू मूवमेंट, देश का प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी था, 414 सीट था एमपी में, लोकसभा में, लेकिन उनको आसाम अकॉर्ड साइन करना पड़ा क्योंकि एकता था, थानसा था। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम लोग छोटे हो सकते हैं लेकिन 2023 में अगर हमारा डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया तो ये जो बुकुमारा पार्टीज हैं, ये जो मोथा और आईपीएफटी है, एक पार्टी होकर आपको एक थानसा चाहिए कि नहीं? सुनाई नहीं पड़ रहा है, पार्लियामेंट वहां में है, थानसा चाहिए कि नहीं? थानसा होकर नेशनल पार्टीज को हम लोग एक आवाज में, एक मंच से हम लोग जवाब देंगे। हमारा डिमांड पूरा करो, अगर नहीं किया तो अकेला लड़ेंगे, जीतेगा तो हारेगा तो वन लास्ट फाइट करेंगे। आर यू रेडी? संजय जी, आप यहां में आए, आपने हमारा कद छोटा है, हम लोग पिपरासा नॉर्थ ईस्ट के लोग, थोड़ा कद छोटा है, मेरा नाक थोड़ा है क्योंकि यूपी से मेरे माँ है, वरना हम लोग भी बुकुंगबारा है, कद छोटा है, हाइट छोटा है, हमारा वहां में मंत्री मेवार चित्त बाबू अनिमेश पूर्ण, लेकिन हाइट छोटा है, कद छोटा है, लेकिन जोश में ना, जज्बा में हम लोग फाइट करना चाहते हैं। और एक अच्छी बात है कि इस बार जब त्रिपुरा में प्रॉब्लम हो रहा था, तिपरा मोथा आईपीएफटी, हमारा एक इतिहास ऐसा है कि हमने कभी जाति धर्म का पॉलिटिक्स नहीं किया। यहां में हिंदू हैं, यहां में बुद्धिस्ट हैं, यहां में क्रिश्चियंस हैं, और जो त्रिपुरा का महाराजा था, एक इतिहास था, जब शुजा औरंगजेब से लड़कर त्रिपुरा में था, जब बर्मा में था, तो शुजा के लिए जो मस्जिद बनाया गया वो त्रिपुरा के राजा ने बनाया था, एक हिंदू राजा ने मुसलमान शहजादे के लिए मस्जिद बनाया था। हमने कभी भी जाति धर्म का पॉलिटिक्स नहीं किया, और आज हम सरहद में है, हम एक बाउंड्री स्टेट है, लेकिन आज भी हम उसी सेक्युलर प्रिंसिपल से चल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आप यहां आए हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारी जो बात है, हमारे तिपरासा के सामने बात कीजिए। हमारा एक शब्द है तिपरासा, वो आप थोड़ा सा रट लीजिए संजय जी, अगर तिपरासा जब आप बोलेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा, और यही शब्द अगर आप एक दिन पार्लियामेंट में बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट? ये पहला बार है कि महाराष्ट्र से भी एमपी आ रहा है, हरियाणा से भी एमपी आ रहा है, और अब दिल्ली अभियान, दिल्ली में भी, दिल्ली का भी एक एमपी आज हमारे बीच में है, हमें कुछ बोलने के लिए, आसाम से एमपी आया है, और वो जो बोलेंगे आप सुनिए, क्योंकि दिल्ली भी फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड के लिए आज भी फाइट कर रहा है, तो ये थोड़ा अलग बात नहीं है। हरियाणा भी अलग से निकला था पंजाब से, आज दिल्ली भी फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड के लिए बात कर रहा है, और आज एमपी भी आया है, और जो हमारा डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं है। यहां में तिरंगा कहां है? तिरंगा कहां है? आज यहां में भी तिरंगा, वहां में भी तिरंगा, आज हमें कोई एंटी नेशनल भी नहीं कह सकता है, क्योंकि आज हम ही एक राज्य है जो अपने बलबूते में, हमारे पूर्वजों ने इंडिया के संग हम एक हुए,
और आज हम वही आश्वासन चाहते हैं जो गांधी और सरदार पटेल ने हमें दिया था कि त्रिपुरा का सुरक्षा इंडिया करेगा। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद, थैंक यू, खुलंका।